यमुनानगर में भगवान राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर जहां पूरे देशवासी दिन भर उत्साहित रहे, वहीं यमुनानगर में रात को दीपावली मनाई गई। आम जनता से लेकर राजनेता भगवान राम की भक्ति के रस में डूबे नजर आए। यमुनानगर के ग्रीन पार्क में एसोसिएशन के साथ स्थानीय निवासियों ने 1008 दीयों से ग्रीन पार्क में पूरी दीपमाला बनाई और पार्क में कहीं दीपों से जय श्री राम लिखा तो कहीं स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। दीप माला में यमुनानगर के मेयर मदन चौहान भी पहुंचे और सबने मिलकर राम जन्मभूमि के हुए शिलान्यास को लेकर अपनी खुशी जाहिर की और एक दूसरे को बधाई दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिन्हें के ऐतिहासिक दिन है, पिछले 550 सालों से जो एक इस देश के अंदर अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का जो स्थान था वहाँ विवादित क्षेत्र घोषित किया हुआ था, इस देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने फैसला दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए, आज उसका जो भव्य मंदिर बनेगा शिलान्यास होने लग रहा है और मैं समझता हूँ पूरे देश की एकता के लिए मिल का पत्र साबित होने वाला है। देश तरक्की करेगा और जो भगवान श्री राम के मंदिर के लिए तकरीबन पिछले 550 सालों में 1.5 लाख लोगों ने भी से भी ज़्यादा आहुति देने का वहाँ काम किया, आज लाखों जो इस राम मंदिर के उसमें शहीद हुए हैं लोग, मैं समझता हूँ उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें था।